बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फैज़ान बाबर फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है पार्क्यू सिटी लाहौर के अंदर जो इस टाइम में कैश के प्लॉट्स की जो बाइंग एंड सेलिंग की जो रेशो है उसके बारे में आपको आगाह करना है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जो एक मेजर गुड न्यूज़ है उसके बारे में आपको आगाह करना है। पार्क्यू सिटी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सब जानते हैं कि पार्क्यू सिटी जो है लाहौर के पाकिस्तान के फेमस वेल नोन अथेंटिक प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट जो है वो पार्क्यू सिटी है। अगर पार्क्यू सिटी लाहौर की बात की जाए तो आप सोसाइटी के अंदर जब एंटर होंगे तो आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक आपको कम्युनिटी नज़र आएगी। जेड ब्लॉक से लेके इनके लास्ट ब्लॉक जो प्लैटिनियम ब्लॉक तक आपको हर तरफ जो है वो घर बने हुए नज़र आएंगे। बेसिक कम्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कम्युनिटीज़ पानी, बिजली, गैस जो है वो सोसाइटी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो सोसाइटी के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेशुमार हैं। आपको सोसाइटी के अंदर स्कूल, मसाजिद, पार्क्स वगैरह सोसाइटी के अंदर मिलते हैं। इसके बाद अगर सोसाइटी के अंदर इस टाइम में सोसाइटी के अंदर कैश प्लॉट की विद पोजेशन प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उसको देखा जाए, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग जो है वो डेली बेसिस पे हो रही है सोसाइटी के अंदर, इस टाइम जो अगर आप जेड ब्लॉक में देखते हैं तो आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 75 लाख से 90 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसके आगे अगर आप सफायर ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो उसमें भी तकरीबन आपको सेम रेशियो यही मिलती है। टोपाज ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो प्लस माइनस में आपको ये सेम रेट नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने पहले यहाँ पे प्राइसेस को देखें या 8 माह पहले इसमें यहाँ पे प्राइसेस को देखते तो तब ये तकरीबन 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक जो है वो लोगों ने यहाँ से हैंडसम प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। इसके बाद जब आप ट्यूलिप ब्लॉक को देखते हैं, ट्यूलिप ओवरसीज, ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर, तो ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर इस टाइम जो रेट्स की रेशियो चल रही है वो तकरीबन 75 प्लस माइनस के अंदर आपको वहाँ पर प्लॉट जो है 5 मरला का मिलता है। प्राइसेस बढ़ी सिर्फ पार्क्यू सिटी के अंदर ही नहीं है, प्राइसेस जो हैं वो ओवरऑल लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, जिसमें बैरिया ऑर्चर्ड को देखें, बैरिया टाउन लाहौर को देखें, लेक सिटी को देखते हैं, अलकबीर टाउन को देखते हैं, तो इन सभी सोसाइटीज़ के अंदर जो अथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने डेवलपमेंट की वजह से जाने जाते हैं, इन सभी सोसाइटीज़ के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस को बूम देखने को आया है। इसके बाद अगर क्रिस्टल ब्लॉक की बात की जाए तो आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन 50 लाख की ब्रैकेट से लेके आपको 60 लाख की ब्रैकेट के अंदर 5 मरला का प्लॉट मिलता है, जबकि इसी तरह 10 मरला का जो प्लॉट है आपको तकरीबन 95 लाख से लेके 105 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको 10 मरला का प्लॉट मिलता है। क्रिस्टल ब्लॉक के जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्होंने रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। इसके अलावा जो वहाँ के रिहायशी हजरात हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, जो गुड न्यूज़ मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो शुरू होने से पहले कि वहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है क्रिस्टल ब्लॉक से लेके प्लैटिनियम ओवरसीज़ ब्लॉक या गोल्फ इस्टेट ब्लॉक के डायरेक्ट इन्वेस्टर और रेजिडेंशियल पर्पज़ से बाइंग करने वाले हजरात को वो गुड न्यूज़ डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। इसके बाद डायमंड ब्लॉक की बात करें तो डायमंड ब्लॉक का रिसेंट डेज में पोजेशन जो है वो दे दिया गया है, लोगों ने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो बाकायदा स्टार्ट कर दी है। इसके बिल्कुल साथ प्लैटिनियम ब्लॉक है, प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर जो इस टाइम प्राइसेस की रेशियो है वो तकरीबन आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो 40 लाख से लेके तकरीबन 48 लाख की ब्रैकेट के अंदर डिपेंड ऑन लोकेशन आपको प्लॉट 5 मरला का मिल जाता है। इसी तरह जो 10 मरला का प्लॉट है आपको तकरीबन 80 लाख से लेके 90 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर भी लोगों ने एक अच्छी खासी तादाद में लोगों ने घर जो है वो बना रहे हैं और जो बना के रह भी चुके हैं उन्होंने अपनी जो रिहाइश है वो सोसाइटी के अंदर इस ब्लॉक के अंदर अख्तियार भी कर चुके हुए हैं। इसी के बिल्कुल साथ आपको प्लैटिनियम ब्लॉक नज़र आता है, प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको 40 लाख की ब्रैकेट से लेके आपको 48 लाख की ब्रैकेट के अंदर 5 मरला का प्लॉट मिलता है, जबकि इसी तरह जो 10 मरला का प्लॉट है वो आपको तकरीबन 70 लाख से लेके तकरीबन 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको 10 मरला का प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर सोसाइटी के अंदर गुड न्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी को देखते हैं जो एक्सपेंड कर रही होती है, जो आगे मजीद बढ़ रही होती है, जिसके ब्लॉक आने वाले वक्त में मजीद आ रहे होते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है एक से ज़ायद मेन एंट्रेंस देना। तो यहाँ भी सोसाइटी ने पार्क्यू सिटी के जो डेवलपर हैं उन्होंने फैसला किया है सेकंड एंट्रेंस देने का, जो कि क्रिस्टल ब्लॉक से आपको मेन जो मुल्तान रोड से शाहपुर कांजरा वाली साइड से मेन एंट्रेंस दी जाएगी, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करेगी आपके क्रिस्टल ब्लॉक को, डायमंड ब्लॉक को, प्लैटिनियम ब्लॉक को, आने वाले जो ओवरसीज ब्लॉक है उसको, इसके अलावा जो आपका गोल्फ स्टेट एक नया खूबसूरत ब्लॉक आने जा रहा है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगी।
इसके अलावा अगर मैं ओवरसीज ब्लॉग और गोल्फ स्टेट की बात करूं तो जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट करते हुए टाइटेनियम एजेंसी पे ट्रस्ट करते हुए हमारे थ्रू ट्रांजैक्शन की ओवरसीज ब्लॉग के अंदर अपने प्लॉट्स बुक करवाए तो आने वाले वक्त में वो लोग मजीद देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है और आने वाले वक्त में भी मजीद वहाँ पर इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके अलावा अगर गोल्फ स्टेट की बात की जाए तो आप किसी भी बड़ी सोसाइटीज के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग में जिसमें आपको नज़र आती हैं कैटेगरीज 2 कनाल 4 कनाल की कैटेगरीज नज़र आती हैं, लेकिन पार्कव्यू सिटी लाहौर की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इन्वेस्टर हजरात के लिए और वो लोग जो गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग में अपना घर बनाना चाहते हैं कि आपको छोटी कैटेगरी जो है 5 मरला 10 मरला का प्लॉट आप बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप अपना घर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पार्कव्यू सिटी में बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।